बिना बैरिंग बदले अपने पंखे की आवाज़ को कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। जैसे कि पंखे के अंदर आवाज़ आती है कचर कचर या मतलब कि कट कट की आवाज़ आती है, जो आपका पंखा वह हाथ से फ्री घूमता है। जैसे ही अपन चालू करते हैं वैसे ही पंखा अपना आवाज़ करने लगता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपके पंखे में इस तरह की आवाज़ क्यों आती है और आप इसको कैसे फ्री में ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, बिना टाइम गंवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बने रहें मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको पंखे को चेक करके बता देते हैं किस तरह की आवाज़ आती है अपने पंखे में से। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने माइक भी लगा दिया है। दोस्तों, ज़्यादातर यही अनुमान लगाया जाता है कि हमारे पंखे की बैरिंग ख़राब हो चुकी है। दोस्तों, आपने देखा कि अपने पंखे में से किस तरह की आवाज़ आ रही है। दोस्तों, पंखे के अंदर से आने वाली हर आवाज़ का मतलब ये नहीं होता कि बैरिंग ही ख़राब है। दोस्तों, पंखे के लिए एक ही कारण नहीं होता कि बैरिंग ही चेंज करें, इसके कई भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पंखे की सीट कट जाना या फिर मतलब कि जो पंखे की प्लेट रहती है प्लेट की सीट कट जाना या फिर कैनोपी अड़ती है कैनोपी का अड़ जाना, ऐसे बहुत से कारण होते हैं। दोस्तों, बहुत से मिस्त्री ऐसे होते हैं जो पंखे की बैरिंग चेंज कर देते हैं और फिर भी उनके पंखे में से आवाज़ आती रहती है और कस्टमर और मैकेनिक दोनों परेशान रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन इस पंखे को खोलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इस पंखे में, कैसे ये प्रॉब्लम ठीक होगी, कैसे मतलब आप पंखे को सही कर सकते हैं। दोस्तों, अपन पेचकस की मदद से तीनों स्क्रू को खोल लेंगे। अब अपन इसकी प्लेट को उठाते हैं और हथौड़ी की मदद से इसको धीरे धीरे ठोक देते हैं, जिससे कि जो अपना नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल बाहर हट जाए। दोस्तों देख सकते हैं, जो अपना पंखा है वो खुल चुका है दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं, जो अपने पंखे की सीट है जो कट चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों आप, जो अपने पंखे की प्लेट है ये बैरिंग है, देख सकते हैं जो अपनी बैरिंग है इसका ग्रीस भी नहीं सूखा है दोस्तों। रोडर को देख लेते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये चमक रहा है, इधर पे अपना जो पंखा है वो इधर पे टच हुआ है दोस्तों। दोस्तों ये इधर पे बिल्कुल जाम होकर चला है दोस्तों। दोस्तों जो पंखे की स्टैम्पिंग है और जो रोडर है जो एक दूसरे से टकरा के चले हैं, इस कारण से जो आवाज़ आती है जो इसी कारण से आती है दोस्तों। दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए क्या करना है कि जो इस प्लेट का नीचे का बैरिंग है, आपके लिए जो नीचे वाला बैरिंग है, आपके लिए बैरिंग को निकालना है। तो चलिए दोस्तों, अपन इस बैरिंग को निकाल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये अपना पुलर है और आप अपन इसको पुलर से बैरिंग को निकालेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपन इस पुलर की मदद से बैरिंग को निकाल लेते हैं। दोस्तों जैसे कि अगर आपके पास पुलर नहीं है तो आप मार्केट से पुलर को ले आएं या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जो अपना बैरिंग है वो निकल चुका है। अब दोस्तों आपके लिए एक तार का टुकड़ा लेना है। दोस्तों ये खांचा है, खांचे के नाप का आपके लिए वायर को काट लेना है और दोस्तों अपन इसको ये खांचे में फिट कर देते हैं अच्छी तरह से दोस्तों, देख सकते हैं आप। और अब अपन बैरिंग को रख कर ठोक देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने बैरिंग को बैरिंग पे रख के ठोका है दोस्तों। दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे जो अपनी सीट कटी थी जो बैरिंग है वो अब पूरा टाइट हो जाएगा इस
शाफ्ट में। और दोस्तों अब मैं इसको रोडर को फिट कर देता हूँ और अपन स्प्रिंग भी डाल देते हैं। और दोस्तों अपन इस पंखे की अच्छी तरह से फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, जब भी आप पंखे को फिट करें, जो स्टैम्पिंग है और जो अपना रोडर है वो हमेशा बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अपन सिंपल तरीके से इसको फिट कर लेते हैं पंखे को। और दोस्तों अपन देखते हैं कि अपने जो पंखे की प्रॉब्लम है वो ठीक हुई भी है या नहीं। अपन अच्छी तरह से इसके नट कस देते हैं जिससे कि अपना पंखा बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। तो दोस्तों आइए अब अपन इस पंखे को चेक करते हैं ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई भी है या नहीं। चलिए दोस्तों अपन पंखे को चेक करते हैं। दोस्तों मैं अब माइक लगा देता हूँ कि जिससे आपके लिए इसकी आवाज़ का मालूम पड़े अपनी आवाज़ पंखे में से आ रही है या नहीं। चलिए दोस्तों अपन इसको चालू करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, जो अपना आवाज़ आ रहा था वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुका दोस्तों। आए वो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।